أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا फ़ैन नज कामिन अज़मिलमूर सद्दीम काबिल अहतराम हज़रतलम कराम इसज़ाम प्यारे बच्चों और बच्चियों और परदा नशीन इस्लामी बहने सबसे पहले तो महतरम हाफि शफीक साहब का उनके वालद मुख्तरम का और मदरसे के तमाम ज़िम्मेदारान हज़रा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक सौ बीस साल इस कदीम इदारे में हाज़री का मौका दिया उसमें कुछ बातें अर्ज करने की शादत अता की इसको अपने लिए एक शत और ख़ुशनसीबी समझता हूँ साथ ही साथ उन तमाम बच्चों और बच्चियों को काबिल मुबारकबाद है वो बहुत बहुत मुबारक है उनको जिन्होंने योम आज़ादी की मुनासबत से बेहतरीन तैयारियां करके बहुत उम्दा अंदाज में बहुत अच्छा अच्छे अंदाज में हमारे सामने प्रोग्राम पेश किए और उससे ज़्यादा मुबारकबाद है उन इसज कराम को जिन्होंने रात दिन इनके पीछे मेहनतें की ये वो बच्चे और बच्चियाँ और ये वो इसज कराम हैं जिनको चारों तरफ से फ़रिश्तों ने घेरा हुआ है हज़रत अबू हुर रज़ील की रिवायत है फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया मजतम अ कम फ़ीबई तिन मबूतःलून किताब अल्लाह वयदा रसू नू फी मा बिनहम जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो करके अल्लाह की किताब को कुरान को पढ़ते हैं और आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं ये कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सीखने वाले सिखाने वाले इल्ला नज़लत सकीनतु ये वो लोग हैं जिन पर आसमानी रहमतें सकीना नाजिल होती है गशियत हम रहमतु अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है हैफत हमलमला फ़रिश्ते चारों तरफ से इनको घेरे हुए हैं व करफ़ी मंद हूँ सातों आसमानों से ऊपर अल्लाह रबुल्ज़त फरिश्तों की मखलूक के सामने इन खुश नसीब बच्चों और बच्चियों का तरह फरमाते हैं कितनी बड़ी फजीलत की बात है इतनी बड़ी फजीलत को हम इतनी सहूलत और आसानी के साथ बिजली और पंखे के नीचे बैठ कर के हासिल कर रहे हैं ये हमारे उन अगलों की हमारे उन अकाबिर उलमा मशाइख और बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा और समरा है जो इन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने में इस मुल्क को अंग्रेज़ों से भगाने के लिए दी थी अभी हज़रत मौलाना ने बतलाया कि ये इदारा 120 साल पुराना है मालूम हुआ हमारे इस मदरसा फैज़ आम के साथ भी हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख जुड़ी हुई है योम आज़ादी की मुनासबत से मुनद होने वाले इस इजलास में आज़ादी के मुतल चार बातें अर्ज करना है सबसे पहली बात तो ये कि दीन इस्लाम में आज़ादी का क्या तस्वूर है इस्लाम ने आज़ादी को क्या अहमियत दी है दूसरी बात ये कि हमारे नौजवान मुसलमानों ने बच्चों और बच्चियों ने आज़ादी किस चीज़ को समझा है उनके ख्याल में उनके मफहूम में आज़ादी क्या है तीसरी बात अर्ज करना है कि आज़ादी के साथ मुसलमानों की और खसूस के तबके की क्या कारगुज़ारी रही है और चौथी बात यह अर्ज़ करना है कि अब इस मुल्क को कौन सी आज़ादी की ज़रूरत है सबसे पहले तो आज़ादी किसको कहते हैं इस्लाम में आज़ादी का क्या तस्वूर है इसको समझिए इस्लाम ने हर इंसान को आज़ाद बना करके पैदा किया है यहाँ तक के मजहब इस्लाम के कबूल करने में कुरान ने किसी भी तरह की जोर और ज़बरदस्ती किसी से नहीं की और साफ साफ ऐलान कर दिया ला इक्राह दिन दीन कबूल करने के मामले में कोई इकराह नहीं कोई जबर और ज़बरदस्ती नहीं ब जबर इकर मजहब तब्दीली बड़ जबरी पूर्वक धर्म परिवर्तन इसका हमारे इस्लाम में कोई तसुर नहीं इससे कोई मुसलमान होता ही नहीं ये एक गलत इल्ज़ाम है एक झूठी तोहमत है जो मुसलमानों पर लगाई जा रही है योम आज़ादी की मुनासबत से हम बरदरान वतन तक भी ये पैगाम पहुँचाएँगे कि आज़ादी के इस दिन में हमें इस इल्ज़ाम से आज़ाद रखा जाए इंसान अल्लाह की ग़ुलामी के लिए पैदा हुआ है अल्लाह के अलावा किसी और की गुलामी ये नहीं करेगा इसलिए अल्लाह इज़्ज़त ने इंसानों को हक़ दिया है आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का और क़ुरान ने जगह जगह ग़ुलामों को आज़ाद करने के फवाइल बयान किए हैं फल्क तम आकबा वमा अदरा कमल आकबा कहता है क्या इंसान मशक्क़त वाली घाटी पर नहीं चढ़ता अब मशक्क़त वाली घाटी पर चढ़ना क्या है कुरान खुद पूछ रहा है कि ये क्या है वमा अदरा कमल आकबा आपको मालूम भी है ये घाटी पर चढ़ना क्या है बहुत सारे खैर नेकी के काम बतलाए कि ये मशक्क़तों वाले हैं इन पर अमल करना दुश्वार है और उसी को घाटी पर चढ़ने से ताबीर किया उसी में से सबसे पहला नेकी का काम बतलाया फ को रकबा गर्दन को आज़ाद कर देना गुलामी के तो को ग़ुलामी की जंजीर को निकाल करके आज़ाद बना देना इसलिए कि गुलामी एक तरह की मौत है और किसी इंसान को गुलामी से आज़ाद किया गोया उसको एक नई जिंदगी दी इसी वजह से इस्लाम में ये हुक्म है कि अगर किसी आका ने अपनी अपने किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया और वो आज़ाद होने के बाद मर गया और उसके कोई दूसरे रिश्तेदार मौजूद नहीं हैं तो जिस आका ने उसको आज़ाद किया है उसकी विरासत उसको मिलेगी इसलिए कि उसने आज़ाद करके उसको एक नई ज़िंदगी दी है तो ये है इस्लाम में आज़ादी का तस्वूर गुलामी से निकालना इंसानों को आज़ाद बनाना दूसरी चीज़ जो हमने क्या आज़ादी समझ रखी है वो क्या है हमारे बच्चों बच्चियों ने जो आज़ादी समझ रही समझ रखी है जिस आज़ादी के मफहूम को अपने जहनों में बिठाया है वो ये कि हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के मामले में लाइफ एंजॉय करने के मामले में हर तरह से आज़ाद रखा जावे कोई इस मामले में हमारे मामले में मुदाखलत ना करे ना हमारे माँ बाप पेरेंट्स ना हमारे इस ना हमारे सरपरस हम जैसी चाहे फाशी गरी बेहयाई और नाफ़रमानी में ज़िंदगी गुजारें हमें आज़ाद रखा जाए ये 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 आज़ादी नहीं ये आज़ादी नहीं ये उस मालिक से उस खालिक से बगावत है जिसके आसमान के नीचे हम चल रहे हैं जिसकी धरती पर हम कदम रखे हुए हैं जिसका खाना हम खा रहे हैं जिसका पानी हम पी रहे हैं और उसी की नाफ़रमानी करके हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये कोई आज़ादी नहीं बल्कि ये तो बगावत है अल्लाह से बगावत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत है तीसरी बात हमें ये समझना है कि इस मुल्क को हमारे अकाबिर ने अंग्रेज़ों से कैसे आज़ाद किया सबसे पहले तो ये कि अंग्रेज़ इस मुल्क में कैसे आए हिंदुस्तान में अंग्रेज़ तिजारत के बहाने से आए हुए हैं वास्को डे गामा पुर्तगाल का एक अंग्रेज़ था पुर्तगाल जिसको अभी हम कहते हैं वो एक मुल्क है उसने अफ्रीका के एक हिंदुस्तानी बाशिंदे को अगवा कर लिया ज़बरदस्ती उस पर दबाव डाला कि किसी तरह मुझे हिंदुस्तान का रास्ता बतलाया जाए इस वजह से कि ये सन 1400 ईसवी ईस्वी से 1600 ईसवी ईस्वी के दरमियान की बात है कि उस जमाने में हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान सोने की चिड़िया समझा जाता था ये सोना उगल रहा था और इसकी तिजारत और कारोबार दूर दूर तक फैले हुए थे इस वास्कुडे गामा ने बहरी रास्ते से समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान सफ़र करके बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी काफ़लों को लूटा था और फिर वह हिंदुस्तान आया था और उसने सबसे पहले हमारे इसी इलाके सूरत में सूरत शहर में सन 1612 सौ ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी थी और तिजारत शुरू की ऐसा ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी की ये तिजारत फैली और अंग्रेज़ों ने बम्बई में अपनी बहुत सारी तजारती कोठियाँ क़ायम की और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो कलकत्ता बंगाल पहुँचे वो वहाँ से गरम मसाले और रेशमी सूत प्योर सिल्क जो कपड़े होते थे उसको बरामद करते थे उसको बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करते थे इब्तिदा में तो ये एक तिजारत थी तजारती कंपनी थी आहिस्ता आहिस्ता उसने मुल्क में अपने कदम जमाने शुरू किए और अपनी फ़ौजी छावनियां तैयार करनी शुरू कर दी जब फौजी छावनियां तैयार करनी शुरू की तो उस वक्त के हुक्मरानों को उसका इल्म हुआ उन्होंने फौरी तौर पर उस पर रोक लगाई और उनके माल को और उनके जायदाद वगैरह को छीन लिया और उनको इस बात पर मजबूर किया कि वो यहाँ रहते हुए तिजारत के अलावा और कोई सरगर्मियाँ न करें सन सत्रह सौ सात ईस्वी में आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह लाई की वफ़ात हुई है जब तक उनकी वफात हुई उस वक्त तक किसी अंग्रेज को सर उठाने का मौका नहीं मिला था सन 1707 सौ ईस्वी में इनकी वफात के बाद फिर अंग्रेजों ने अपने कदम जमाने और फैलाने शुरू किए बंगाल कलकत्ता के नवाब सिराजुद्दौला पर उसने हमला कर दिया सिराजुद्दौला ये अपने नाना अली वर्दी के जानशीन थे उनके नाना अली वर्दी ने उनको ये नसीहत की थी कि देखना इस मगरबी कौम से इन अंग्रेज़ों से हमेशा होशियार और चौकन्ना रहना वरना बंगाल तुम्हारा नहीं रहेगा जब अंग्रेज़ ने हमला कर दिया तो कैसे सिराजुद्दौला का ज़मीर इसको बर्दाश्त कर सकता है उनकी खुददारी ने गवारा नहीं किया कि अंग्रेज़ को सर उठाने का मौका दिया जाए डट कर मुकाबला किया जंग की मगर मीर जाफर की गद्दारी से सन सत्रह सौ अट्ठावन ईस्वी में सिराजुद्दौला की शहादत हुई और अंग्रेज़ ने मीर जाफर को गवर्नर बनाया तीन साल तक गवर्नरी करने के बाद मीर जाफ़र को मज़ूल करके मीर कासिम को गवर्नर बनाया मीर कासिम अंग्रेज़ों की साजिशों के सख्त मुखालिफ थे उन्होंने फिर डट कर मुकाबला किया और वो शहीद हो गए और अब अंग्रेज़ों ने आहिस्ा आहिस्ा अपने क़दम आगे बढ़ाना शुरू किए वो चाहते थे कि अब मरकज़ी हुकूमत दहली तक कब्ज़ा करते हुए पहुँचे मगर रास्ते में एक जाँबाज़ मुजाहिद सिपाही हैदर अली फ़तेह अली टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह आलही उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने कर्नाटक के मैसूर में हुकूमत को संभाले हुए था अंग्रेज़ की मैसूरों से मैसूर के लोगों से चार जंग हुई है सबसे पहली जंग तो टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली से हुई है दूसरी जंग पहली जंग में तो अल्लाह ताला ने फा की दूसरी मरतबा फिर अंग्रेज़ों ने मुकाबला किया उसमें टीपू सुल्तान के वालिद शहीद हुए हैं और चंद शराइब पर सुलह होकर यह जंग ख़त्म हुई है फिर तीसरी जंग हुई उसमें भी टीपू सुल्तान को अपने कुछ अपने ही गद्दारों की वजह से बड़ा नुक़सान उठाना पड़ा और सुलह हुई फिर उसके बाद सन सत्रह सौ निन्यानवे ईस्वी में चौथी जंग हुई मैं सन में सन सत्रह सौ निन्यानवे ईस्वी में टीपू सुल्तान शहीद रहमत लाई ने एक मुसलमान होने की हैसियत से जितने मुसलमान हुक्मरान और हिंदुस्तान के नवाब थे उनको अपने साथ लिया उनको खतूत लिखे तो दूसरी तरफ एक महब वतन होने की हैसियत से देश भक्त होने की हैसियत से हिंदू राजाओं को भी अपने साथ करने की कोशिश की मगर बदकिस्मती से जिस कदर उनको ताउन मिलना चाहिए साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिला और अंग्रेज़ अपनी इस साजिश में कि आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो इस साजिश में कामयाब रहा ये अंग्रेज़ों की साजिश है लड़ाओ और हुकूमत करो हम मुल्क के सेक्युलर लोगों से आज भी ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर यही नफ़रतें लड़ाओ और हुकूमत करो यही सियासत आज भी रही तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा इस सोच को बदलना पड़ेगा चार जून चार मई सन उन्नीस सन सत्रह सौ निन्यानवे ईस्वी में टीपू सुल्तान सुबह से अपनी फौज के साथ अंग्रेज़ों के मुकाबले के लिए लड़ रहे थे हिंदू मुसलमान खुतिन मर्द सब मैदान में थे और लाश की लाशें गिर रही थी उस मौके पर टीपू सुल्तान शहीद रहमत आल का एक नव मुस्लिम फ़ौजी था राजा खान उसने टीपू सुल्तान से ये कहा कि अब भी ज़रा संभल जाइए ज़रा अपने आप पर रहम खा लीजिए ज़रा अपने बीवियों के बेवा होने की अपने बच्चों के यतीम होने की कुछ ख़बर ले लीजिए और अब भी सुलह कर लीजिए टीपू सुल्तान शहीद रहमत ला ग़ुस्से में आ जाते हैं और उस वक्त उन्होंने एक जुमला कहा है वो जुमला हम सब को याद रखना है टीपू सुल्तान शहीद रहम ने उस वक्त लड़ते हुए मैदान कारजार में ये जुमला कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदड़ की सौ साल जिंदगी से अच्छी है हम अपनी जान देने के लिए तैयार है मगर हम बातिल पर किसी भी तरह समझौते के लिए हरगिज हरगिज तैयार नहीं टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैहि दिन भर लड़ते रहे यहाँ तक के असर के वक्त में सूरज रोशनी दे दे कर थक चुका था गरूब होने के करीब था टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह लाई लड़ते लड़ते थक चुके थे और टीपू सुल्तान शहीद रमत की गुरूब के वक्त में जब शहादत हुई है उस शहादत के मौके पर एक अंग्रेज़ ने उनकी लाश पर खड़े होकर के ये जुमला कहा था आज से हिंदुस्तान हमारा है आज से हिंदुस्तान हमारा है जब तक ये आदमी मौजूद था हमें हिंदुस्तान में सर उठाने का मौका नहीं मिल रहा था ये बात तो अंग्रेज़ ने कही थी और उस वक्त के मराठा राजाओं ने टीपू सुल्तान के बारे में ये कहा था जब उन्होंने ये सुना था कि टीपू सुल्तान शहीद हो गए मराठा राजाओं ने एक जुमला कहा था कि आज आज़ादी की लड़ाई में हमारा बाजू कट गया आज आज़ादी की लड़ाई में हमारा बाजू कट गया हमारी बहुत सारी फौजें मिल करके अंग्रेज़ का ऐसा मुकाबला नहीं कर सकती जैसा मुकाबला टीपू सुल्तान शहीद रहमत लाई की एक फ़ौज ने किया था टीपू सुल्तान की शहादत के बाद से अंग्रेज़ को सर उठाने का मौका मिल गया और देखते ही देखते ये लाल किले तक पहुंच करके अपना परचम लहनाने लगा तो उस वक्त में शाह वलील मुहदस दहलवी रमत लल के जानशीन शाह अब्दुल अजीज मुहदस दहलवी रमत लल ने सबसे पहले फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल दारुलहर्ब हो चुका है और यहाँ रहते हुए अंग्रेज़ों के मुकाबले में जंग करना और लड़ना हर मुसलमान पर लाजिम है हर मुसलमान का फरीज़ा है हमसे आज ये पूछा जा रहा है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या किरदार अदा किया ये एक सवाल है ये सवाल गलत है ये सवाल ही गलत है सवाल ये पूछना चाहिए कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने क्या नहीं दिया क्या कुछ नहीं किया सबसे पहले आज़ादी का ख्याल और तस्वुर जिसके जहन में आया है वो मुसलमान है सबसे पहले आज़ादी की बात जिसने अपनी जुबान से निकाली है वो मुसलमान है सबसे पहले आज़ादी के लिए जंग का जिसने फतवा दिया है वो मुसलमान है सबसे पहले आज़ादी के लिए के मुआलात का यानी अंग्रेज़ों की सारी चीज़ों का बायकॉट करने का फतवा अगर किसी ने दिया है तो वो मुसलमान है आज़ादी की लड़ाई में जिसको माल्टा की जेल में भेजा गया वो मुसलमान है आज़ादी की लड़ाई में जो बालाकोट के मैदान में जो जलियावाला बाग में शहीद हुए हैं वो मुसलमान हैं आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने कायदाना किरदार अदा किया है लीडरशिप संभाली है वो मुसलमान हैं शाहजीज़ मुहदस दहलवी रहा आल के इस फतवे ने पूरे मुल्क में एक आग बर्पा कर दी और जगह जगह आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई सैयद अहमद शहीद रही आल और शाह इस्माइल शहीद रहमत लाई जो भतीजे हैं शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहदीस दहलवी रमत अलैह के उन्होंने अठारह सौ इकतीस ईस्वी में बालाकोट के मैदान में मुसलमान फ़ौजों को जमा किया इससे पहले उन्होंने बस्ती बस्ती शहर शहर हर जगह जा कर के लोगों को समझाया मुसलमानों को भी समझाया हिंदुओं को भी समझाया आज़ादी की बात उनके कानों में डाली और जंग के एक दिन पहले शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह लाई ने सब को जमा करके एक खुतबा दिया एक बयान दिया और ये कहा कि आज की रात अल्लाह तला के सामने सच्ची पक्की तोबा करो इसफार करो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो कल को हमें कुफार के मुकाबले में लड़ना है आइंदा कल हमें कुफार के मुकाबले के लिए लड़ना है अगर अल्लाह ताला ने फतेह अता की आज़ादी की खुशियाँ देखेंगे और अगर शहीद हो गए तो जन्नत में मज़े लेंगे बालाकोट की के मैदान में ये एक खून रेज़ जंग हुई जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए और उस जंग के बाद ये नहीं कि उसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई तो आज़ादी की तहरीक मद्दम पड़ गई हो धीमी पड़ गई हो बल्कि इस जंग ने इस तहरीक और लड़ाई ने मुसलमानों में एक चिंगारी पैदा कर दी हिंदुओं में एक चिंगारी पैदा कर दी और ये लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते सन अट्ठारह ईस्वी में जगह जगह मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीकें शुरू हो गई और जंग शुरू हो गई और उसके बाद मुसलमानों को तरह तरह से आजमाया गया सताया गया दिल्ली के चांदनी चौक ही में नहीं बल्कि अतराफ में कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पर मुसलमान की नाश लटकाई हुई न हो यहाँ तक के मर्रखी लिखते हैं इतिहास लिखने वाले लिखते हैं कि हर दरख्त पर फांसी के फंदे लटकाए गए थे जहाँ कहीं कोई मुसलमान मिलता उस मुसलमान को हाथी पर बिठाया जाता हाथी पर बिठा करके उसके गले को आ, 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 उसके गले को फांसी के फंदे में डाला जाता और फिर उस हाथी को चला दिया जाता फिर क्या होता एक अंग्रेज़ औरत लिखती है कि उस वक्त मुसलमान शहदा की हालत अंग्रेजी के हिंद से एट की तरह हो गई थी मुसलमानों को मुसलमानों पर यह जुल्म o ढाया गया कि उनको तोप के दहाने पर मजबूत रस्सी बांधकर रखा जाता और फिर तोप चला दी जाती और फिर क्या होता दिल कांप रहा है उस बात को बयान करने के लिए जैसे कागज फाड़ कर उसके पुरचे हवा में उड़ा दिए जावे ऐसे मुसलमानों की गोष्ट बोटी के टुकड़े टुकड़े हवा में लहराते थे और जैसे जमीन पर पानी का छिड़काव किया जाता हो ऐसे मुसलमानों का खून इस जमीन पर छिड़काव किया हुआ होता था यह कुरबानिया हमारे मुसलमानों ने दी है मगर उसके बावजूद मुसलमान आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं हटे लाखों की तादाद में शहीद हुए और हजारों की तादाद में उलमा ने जान दी ये वो लड़ाई थी अट्ठारह सौ सत्तावन की जिसमें आज इमदादुल्ल महाजिर मखी रहा ने कायदाना किरदार अदा किया था लीडरशिप संभाली थी उसमें मौलाना कासिम नानोथवी हुई रमत थे मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमत आल थे और मौलाना रहमत की थे और दूसरे बहुत से हमारे किराम थे हाजी मुहाजिर महाजिर रहमतुल्लाह आल हिजरत कर गए मुकर्रमा हाफिज बामिन रहमतुल्लाह आल शहीद हो गए ये भी इसी जंग में शहीद हुए बामिन शहीद और रहम और मौलाना कासिम नानतवी रहमत आल ने 1866 हिजरी में देवबंद में एक अनार के दरख्त के नीचे एक मदरसे की बुनियाद डाली जिसमें पढ़ाने वाले भी मुल्ला महमूद और पढ़ने वाले भी महमूदुल हसन जो शेखुल हिंद अलैह के नाम से बाद में मशहूर हुए क्या मालूम है शेखुल हिंद रहा अलैह ने आज़ादी के लिए क्या किरदार अदा किया है शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमत लाई ने तहरीक रेशमी रुमाल की बुनियाद डाली थी तहरीक रेशमी रुमाल ये एक ऐसी तहरीक है जिसके मतलक मार्खीन ने लिखा है कि अगर ये तहरीक अपने मकसद में कामयाब हो जाती अगर रास फाश न हुआ होता और ये तहरीक आगे बढ़ती तो शेखुल हिंद रही ने आज़ादी की इतनी लंबी जाल बिछाई हुई थी कि अंग्रेज़ का सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से खात्मा हो जाता शेखुल हिंद रही की इस तहरीक को तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है इस वजह से कि रेशमी रुमाल पर खतूत लिख कर ये अपने अफराद को अपने साथियों को पहुँचाते थे अफगानिस्तान और तुर्की तक ये तहरीक फैली हुई थी मगर इस तहरीक का रास फाश हो गया ये रेशमी रुमाल अंग्रेज़ के हाथ में आ गए अपनों की गद्दारी की वजह से यहाँ तक कि शेख हिंद हिंद रही को सफ़र हिजाज के दौरान पकड़ करके माल्टा की जेल में भेज दिया गया उनके साथ शेख हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना उजैर गुल अलैह और दूसरे बहुत से हजरा थे माल्टा की जेल में शेखुल हिंद के साथ अंग्रेज़ों ने कितना वाशियाना कितना दरिंदों वाला सलूक किया खुतबात हिंद में लिखा है कि हिंद रहमतुल्लाह अलैह की जब वफात हुई है उसके बाद लोगों ने उनको तजहीज़ व तकफीन दी उनको गुस्ल दिया उनको कफन पहनाया तो उस वक्त उनकी कमर के ऊपर काले काले निशानात और घड़े पड़े हुए थे तो नहलाने वालों ने घरवालों से पूछा कि ये कमर पर हजरत को क्या हुआ था घरवालों को कुछ भी पता नहीं था उनके साथ हिंद के साथ माल्टा की जेल में रहने वाले शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि सफ़र में थे इस्लाम उमत आल जब वापस आते हैं और नहलाने वाले शेखुल इस्लाम से पूछते हैं कि आखिर ये क्या था ये क्या था शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि की आंखों में आंसू आ जाते हैं फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे के दरमियान का राज था ये मेरे और मेरे के दरमियान का राज था मेरे उस्ताद ने ये कहा था कि किसी को ये बतलाना नहीं है आज अब वो शहीद हो चुके हैं दुनिया से जा चुके हैं अब मैं उनके इस राज को आपके सामने बयान कर रहा हूं कि ये क्या था अंग्रेज शेखुल हिंद रहमतुल्लाह आल को ये सजा देते थे कि आग के अंगारे जलाते थे रोशन करते थे और शेखुल हिंद से ये कहते थे कि अब भी ये कह दो कि अंग्रेज़ों के साथ हैं हम मगर शेखुल हिंद इसके लिए तैयार नहीं होते थे तो आग के अंगारों पर शेखुल हिंद रहमत आलिय को लिटाया गया और शेखुल हिंद रमतल आलिय की चमड़ी और चर्बी से वो आग बुझी है जब इतनी सख्त सज़ा दी गई शेख मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह आल फरमाते हैं मैंने और मेरे साथियों ने अपने उस्ताद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह रल से ये कहा कि आखिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह आल ने किताबुल हियल लिखी है दो माने वाला जुमला कह करके कुछ अंग्रेज़ की इस सज़ा से बच सकते हैं ऐसा कोई जुमला ही कह दो तो कि जिसकी वजह से आप इस सजा से बच जाओ शेखुल हिंद रहा ने उस वक्त क्या जुमला कहा शेखुल रहमत आलही ने उस वक्त यह फरमाया था जोश में आ गए शेखुल हिंद हिंद अलैहि और फरमाया कि हुसैन अहमद तुम क्या समझ रहे हो मैं रूहानी वारिस हूँ बिलाल हबशी का मैं रूहानी वारिस हूं खब्बाब का मैं रूहानी वारिस हूं खुबैब का मैं रूहान वारिस हूँ इमाम आजम अबू हनीफा का। मैं रूहानी वारिस हूँ इमाम मालिक इबन अनस रहमत का कसम ब खुदा कसम ब खुदा ये लोग मेरे जिसम से जान तो निकाल सकते हैं ये लोग मेरे जिसम से जान तो निकाल सकते हैं मगर मेरे अंदर से ईमान नहीं निकाल सकते सन 1920 सौ बीस इस में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह आल को रिहाई हुई तो एक बड़ा मजमा बम्बई में उनके इस्तबाल के लिए पहुँच गया जिसमें महात्मा गांधी भी थे महात्मा गांधी को गांधी जी को उसी वक्त मुसलमानों ने महात्मा का लकब दिया गांधी जी को महात्मा का लकब देने वाले भी मुसलमान हैं इतनी सख्त सजाएं भुगतने के बाद भी शेखुल हिंद रहा अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे यहाँ तक के माल्टा की जेल में पूरी दुनिया के अंग्रेज दुश्मनों को जमा किया जाता था शेख उन्ंद रही आलही वहाँ खुफिया तदबीरें करते थे कि कैसे मुसलमानों को आज़ाद कराया जावे मुल्क को आज़ाद कराया जावे अंग्रेज़ों की चुंगल से शेख उन्द रह लाई की ये क़ुरबानियाँ काम लाती है कार साबित होती है और जलिया वाला बाग ये एक मुसलमानों की तारीख है और अंदमान निकोबार के काले पानी की सज़ा जिसके मुतालिक मौलाना जाफर थाने सरी रहमतल लिखते मौलाना जाफर थाने सरी को भी वहाँ काले पानी की सज़ा में भेजा गया था हाथ में बेड़ियाँ पाँव में जंजीरें और सामने सलाखें उस वक्त में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर जो जुल्म ऊाया है एक लंबी तारीख़ है ये कोशिशें चलती रही यहाँ तक के महात्मा गांधी के नमक आंदोलन दाढ़ी सत्याग्रह में मुसलमानों ने साथ दिया मौलाना अली जौहर भी उसमें थे मौलाना शौकत अली भी थे और दूसरे बहुत सारे मुसलमान थे यहाँ तक के 15 अगस्त उन्नीस को अंग्रेज़ ने मुल्क की सियासत से बेदखल होने का ऐलान किया हमारे अकाबिर उलमा ने मशाइख ने ये कुर्बानियां क्यों दी क्या इसलिए दी ताकि इस मुल्क में हमारे ही मुल्क में हमें घुसपैठिया कहा जावे? हमारे ही मुल्क में मुबलिनचिंग के नाम पर हमारे मुसलमानों को पीटा जावे मारा जावे? क्या इसलिए आज़ादी दी थी इसलिए कुर्बानियां दी थी इस वक्त हमें ज़रूरत है हकीकी आज़ादी की एक मर्तबा एक मुसलमान और एक हिंदू दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे थे मुसलमान भी साथ में है हिंदू भी साथ में है मुसलमान और हिंदू के दरमियान बहस हो रही है गुफ्तगु हो रही है क्या गुफ्तगु हो रही है मुसलमान कह रहा है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से हमने बगाया हिंदू कह रहा है इस मुल्क को हिंदुस्तान अंग्रेजों से इस मुल्क से अंग्रेजों को हमने बगाया खुशकिस्मती समझो बदकिस्मती समझो एक अंग्रेज वहां बैठे हुए सुन रहा है उस अंग्रेज ने मुसलमान से पूछा बतला तेरा इस्लामी लिबास कुर्ता पायजामा टोपी इमामा कहाँ है मुसलमान का लिबास अंग्रेजी हिंदू से पूछा तेरा लिबास धोती कहाँ है उसका लिबास अंग्रेजी मुसलमान से पूछा तेरा इस्लामी चेहरा दाढ़ी कहाँ है उसका चेहरा अंग्रेजी हिंदू से पूछा तेरे चेहरे पर अपना शियार तिलक कहाँ है उसका चेहरा अंग्रेजी मुसलमान से पूछा बटला इस्लामी तारीख क्या है उसको अपनी इस्लामी तारीख का पता नहीं हिंदू से पूछा बता हिंदी तारीख कार्तिक माँ के अतबार से कौन सी तारीख है हिंदू को उसका पता नहीं ऐसे बहुत से सवाल किए उसने और फिर उसने ये कहा कि हम भागे हुए कहाँ हैं हम तो यही हैं तुम्हारा लिबास अंग्रेजी तुम्हारी तहजीब तुम्हारा कल्चर अंग्रेजी तुम्हारे खाने पीने के तरीके अंग्रेजी तुम्हारी महाशरत तुम्हारा रहन सहन अंग्रेजी सब कुछ अंग्रेजी और तुम ये दावा कर रहे हो कि हमने अंग्रेज को भगा दिया प्यारे बच्चों याद रखो जैसे अंग्रेज को हमने भगाया है अंग्रेजियत को भी हमें भगाना है अंग्रेजियत को भी अपनी ज़िंदगी से निकालना है हम सहारनपुर में मौलाना तलहा कांदलवी रहमतुल्लाह कानंदलवी शेखुल हदीफ मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी रहमतल्ला के बेटे उनकी खिदमत में हाज़िर हुए थे और बयात की थी मौलाना तलहा कांदलवी रहमत आलही उस वक्त जब उन्होंने हमसे बैत करवाई उनकी बैत के जुमले आज भी बहुत सारे उनके मशाक मुरीदीन बहुत सारे यहाँ हमारे शहर ही में मौजूद है वो जानते हैं कि जब वो बैत के अल्फाज कहलवाते थे तो जैसे और बहुत सारी चीज़ों से तोबा करवाते थे तोबा की मैंने कुफर से तोबा की मैंने शिरक से तोबा की मैंने जीना से चोरी से फलाँ से फलाँ से ऐसे वो कहते थे कि ये बेत करो तोबा की मैंने अंग्रेज़ी लिबास पहनने से तोबा की मैंने अंग्रेज़ी रहन सहन इख्तियार करने से बहुत सारी चीज़ों को गिनवाते थे और आखिर में जोर देकर ये कहते थे कि ये कहो तोबा की मैंने अंग्रेजियत यद से की से तोबा की ये मदर डे फेट फादर डे वैलेंटाइन डे और फलां डे ये सब किसकी पैदावार है अंग्रेज़ की पैदावार अभी चंद दिनों पहले मेरे एक साथी ने बतलाया कि आज 10 अगस्त का दिन कहा कि ये नेशनल लेजी डे है नेशनल लेजी डे है विश्व सुस्त दिवस अब मैंने पूछा कि इसमें क्या होता है नेशनल लेजी डे में तो कहा कि ये सुस्तड़ लोगों का दिन है ये सुस्तड़ लोगों का दिन है इसमें पूरे सब लोग सुस्त पड़े रहते हैं बस कुछ भी काम नहीं करना है ये एक डे अब उन्होंने शुरू किया तो यह हर दिन एक नया डे यह सब किसकी पैदावार है अंग्रेज की पैदावार है इसलिए ये मकातिब ये मदारिस इसलिए कायम किए गए हैं ताकि इस अंग्रेजियत से हम तोबा करें और इस मुल्क में हम अपनी पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपनी पूरी इस्लामी शनाख्त अपनी पूरी इस्लामी पहचान के साथ रहे चाहे हम डॉक्टर बन जाए चाहे हम इंजीनियर बन जाए चाहे हम दुनिया के किसी खित्ते कोने में पहुँच जाए जो कुछ बन जाए पहले हम मुसलमान हैं हमारे अंदर से इस्लाम हरगिज़ हरगज़ निकले उसके बाद सब कुछ है हमारी ये दरसगाहें ये सिर्फ़ तालीमी इदारे नहीं हैं अब कोशिश की जा रही है इसमें अंग्रेजीयत को दाखिल करने की इसमें असरी उलूम को दाखिल करने की असरी उलूम के कभी हम मुखालिफ नहीं रहे हैं मगर आप जरा ज़रा बातिल की साजिशों को समझें समझें एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इन दर्शगाहों में असरी ूम पढ़ाए जावे ठीक है हम मुखालफत नहीं करते हैं दूसरी तरफ असरी उलूम के निसाब में सब्जेक्ट में भागवत गीता और शिरकिया चीज़ें दाखिल की जा रही है अब समझो दुश्मन की साजिशों को इसी तरह अंग्रेज़ों ने अपने पांव जमाए थे मुसलमानों पर और मुल्क पर कि उन्होंने उनको सबसे पहले अपनी मधबी आज़ादी से निकाला था और इसी वजह से हमारे ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था कि अब हम अपने मधबी शायर को मजहबी अमाल को धार्मिक कामों को आज़ादी के साथ कर नहीं सकते क्यों ये कुर्बानियां हमारे ने दी इसलिए कि हम इसी ज़मीन पर नमाज भी ना पढ़ सके हमें लाते मारी जावे क्या ये आज़ादी है हमें मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कराना है नफ़रतों से हकीकी आज़ादी हासिल करनी है बेरोज़गारी से हकीकी आज़ादी हासिल करनी है हर तरह की अदावत और दुश्मनी वाली सियासत से उसके लिए हमें उसी तरह इस के साथ और जमाव के साथ खड़े होना पड़ेगा जिस तरह हमारे अकबिर ने इससे पहले क़ुरबानियाँ दी थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस इजलास को कबूल फरमाए और हम सबको हमारे उन्हीं अकाबिर और अहलुल्लाह और बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलते रहने की और उन्हीं की तरह कुर्बानियाँ देते रहने की तोहफ़ी आता फ़रमाएँ आमीन व आखिरदिल्ल रबालमिन بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الظالمين اللهم انا نسألك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، اللهم انا نسألك بركه في العمر وصحه في البدن وراحه في الرزق ويسره في المعيشه زياده في العلم وثبتنا على الايمان وثبتنا على الايمان وثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الايمان अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा बड़े मुजरिम हैं ालिम हैं, गुनहगार हैं, सयाहकार हैं रात दिन तेरी न्यामतें खा खा करके तेरी न्यामतें इस्तेमाल करके तेरी ही नाफरमानी की है तेरी ही नाशुक्री की है परवरदिगार हमारे इस जुर्म अजीम को माफ़ फरमा दे हमारे अगले पिछले जानबूझ कर किए हुए अनजान कर किए हुए दिन के उजालों में किए हुए रात के अंधेरों में किए हुए तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे हमें तेरी मर्जी वाली जिंदगी गुजारने की तोफ़ी नसीब फरमा तेरी नाराज़गी वाले जिंदगी से हम सब की पूरे पूरी हिफाजत फरमा परवरदिगार जितने हमारे मुसलमान भाई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो बिला वजह कैद की सहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं आज़ादी के इस दिन में वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं परवरदिगार उनको बाज़्ज़त रिहाई नसीब फरमा उनको बाज़्ज़त रिहाई नसीब फरमा जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला हाजला दायमा मुशमर नसीब फरमा जो मकरूज है ग़ैब से उनके कर्जों की अदायगी की सबील मुहैया फरमा परवरदिगार आज मुल्क में तरह तरह से मुसलमानों को सताया जा रहा है खसूस कदीम मसाजिद पर कब्जा किया जा रहा है परवरदिगार तो इस जुल्म सितम को ख़त्म फरमा जालिमों के हाथों को जुल्म से रोक दे जालिमों के हाथों को जुल्म से रोक दे अगर उनके मुकदर में हिदायत लिखी है उनको हिदायत अता फरमा और अगर उनके मुकदर में हिदायत नहीं लिखी है तो इन नापाकों से इस रुए ज़मीन को पाक को साफ फरमा हमारे मकातब की मदारस की खानकाहों की मराखज़ की दीनी जमातों और जमहईतों की दीनी तहरीकों की दीनी शोबों की और तमाम दीनी इदारों की पूरे पूरी हिफाजत फरमा खसूसा हमारी कदीम मसाजिद की हिफाजत फरमा गैरों का निशाना बनने से बचा ले परवरदिगार हमारी वक्फ़ की जायदादों की हिफाजत फरमा गैरों की बदनजरी से उसको बचा ले परवरदिगार मुसलमानों को शरूर और एहसास पैदा फरमा मुसलमानों के दिलों में बेदारी पैदा फरमा उनको हकीकी आज़ादी की जंग के लिए लड़ाई के लिए फिर से खड़ा फरमा और हर तरह की मुल्क की तरक्की के लिए उनको हर तरह के लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होकर के मेहनत करने की कोशिश करने की तोफ़ी नसीब फरमा हमारे इन बच्चों बच्चियों के पढ़ने पढ़ाने पढ़ने को कबूल फरमा कराम की मेहनतों को कोबूल फरमा उनकी काविशों को कबूल फरमा उनकी मेहनतों का दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला नसीब फरमा जब तक हम जिंदा रखें जिंदा रहें हमें ईमान पर जिंदगी नसीब फरमा जब वक्त आखिर हो कल में वाली मौत हम नसीब फरमा इस हाल में हम दुनिया से जा रहे हो तू हमसे राजी हो हम तुझसे राज़ी हो तेरे किसी बंदे और बंदी का कोई अदा हक़ हमारे सर पर बाकी न हो ज़ुबान पर कल में तयबा जारी हो ऐसी पाकिज़ा मौत तो हम सब को नसीब फरमा परवरदिगार मौत और मौत के बाद की सारी मंजिलें हम सब के लिए आसान फरमा हमारी ख़बरों को जन्नत के बाग़ों में से एक बाग बना मैदान मशर की हलनाकी और सख्तियों से बचा ले आमा नामे दाने हाथ में नसीब फरमा कर रसोल सौद कौसर से जाम कौसर नसीब फरमा करके जन्नतफरदोस में हम सब को दाखिला नसीब फरमा हमारी कयामत तक आने वाली नस्लों की ईमान की आमाल की पूरे पूरी हिफाजत फरमा हमारी आने वाली नस्लों को ईमान पर कायम और दायम फरमा परवरदिगार हमारी आने वाली नस्लों को इर्तदात की फ़िज़ा और हवा से बचा ले इतदाद की कोशिशों को नाकाम फरमा नेस्त व तो नाबूद फरमा उनकी साजिशों को उन्हीं पर पलटे परवरदिगार इसी इरतदा को ख़त्म करने के लिए इसी ग़ुलामी को ख़त्म करने के लिए हमारे उलमा ने अकाबिर ने जितनी कुर्बानियां दी है तो उन तमाम मशाइख की कुर्बानियों को कबूल फरमा उनकी शहादतों को कबूल फरमा उनकी करवट करवट मगफरत फरमा उनके दर्जात को बुलंद फरमा हमारे जितने इस अकाबिर मशाइख दुनिया से रुसत हो चुके तो उन तमाम की भरपूर मगफरत फरमा जो और मशाइख ज़िंदा है परवरदिगार हमें उनकी कदरदानी की तोफ़ी नसीब फरमा उनकी नाकदरी से उनकी ना शिक्री से उनकी शान में बुरे कलिमात कहने से हम सब की पूरे पूरी हिफाजत फरमा तेरे हबीब जनाब रसूल अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जितनी दुआएं मांगी है उन तमाम में हमारा हिस्सा नसीब फरमा जिन जिन शुरूर व फितन से आफात व बलियात से आजमाइशों से हवाफात से मसायब से पला तलब की परवरदिगार हम सब उससे पला तलब करते हैं हम सब की पूरे पूरी हिफाज़त फरमा हमारी दुआओं को महजब ने फग्ल جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كصدق میں منظور مقبول فرما وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا